मानो या ना मानो, लेकिन मोदी जी पूरी तरह से गलत नहीं है। खैर, ये तो सच बात ही है कि कोई इंसान गलत नहीं होता है, हालात उसे गलत बना देते हैं। लेकिन ऐसे तो कोई हालात भी नहीं आए कि मोदी जी आप हमारे देश के सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए इतने गलत बन गए। ऐसा क्यों? मोदी जी ने अच्छे काम भी किए हैं, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने आने के बाद राम मंदिर, तीन तलाक और भी कई चीजें अच्छी करी हैं, जिसकी वजह से देश की जनता उन्हें सपोर्ट करती है। और मोदी जी अभी भी झारखंड वाले मुद्दे में भी बोले थे कि जिसकी गलती है, अगर किसी ने चोरी करी है तो उसको सजा होनी चाहिए, उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। मोदी जी ठीक काम भी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हमारे देश की जनता सपोर्ट कर रही है। लेकिन मोदी जी कहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा काम भी वही है कि जहां सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हम उनका ध्यान वहां पर बनाए, ताकि वो जनता की बात सुन सके। सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, युवा हैं, वो भी तो देश की जनता का ही पार्ट है, देश की जनता ही है वो भी, तो उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? उनके मामले पे, उनके मुद्दों पे क्यों हमारे मोदी जी मौन धारण करे हुए बैठे होते हैं? क्यों उनकी बात वो सुनते नहीं? क्यों उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं इतने समय से? हमारे युवाओं के साथ इतना गलत हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है अग्निवीर के नाम पे। जहां पर आप देखें तो अग्निवीर ना ही केवल हमारे देश के युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है, बल्कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। क्योंकि अग्निवीर के अंदर एक युवा इतना ट्रेन नहीं हो जाता है कि वो आतंकवादियों से मुठभेड़ कर सके और हमारे देश को सिक्योर रख सके। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमारे सैनिकों को तैयार करने के लिए पूरा अच्छे से टाइम लगता था और उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, पूरा टाइम उन पे लगाया जाता था, क्योंकि उनकी सर्विस जो थी वो परमानेंट होती थी। अब खाली जो है 25% परमानेंट होते हैं, 75% नहीं होते, उन्हें लगता है कि फिर हो जाएगा ये, तो फिर हर साल युवा आते रहेंगे, 4 साल के लिए आना है, इनको क्या सिखाएं इतना। और युवाओं को भी होता है कि 4 साल बाद तो निकल ही जाना है, इतना क्यों करें हम। तो ये जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अग्निपथ योजना का, जो मोदी जी को सोचनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग हैं और साथ ही साथ युवा भी हैं वो खफा हैं मोदी जी से। और इसके अलावा पेंडिंग पुरानी भर्तियां, उनका भी कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा बात कर लो अगर ORP की, तो संख्या है जो मोदी जी ने दी है वो 65,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक जरूर पहुंच गई है, लेकिन वो हमारे पूर्व सैनिकों को आज भी सही से नहीं मिली है। जितना उनका हक था, जितना उनको मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। तभी अभी भी वो अपनी मांग जारी रख रहे हैं। तो आपसे अभी भी वो यही जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, जो सही है जो गलत है वो सब सामने साफ हो जाएगा। आपने घोटाला नहीं किया, आपने पैसे नहीं खाए, आपने अपनी तरफ से पैसे दिए हैं, तो वो गए कहाँ जब हमारे पूर्व सैनिकों को नहीं मिले, जिनको मिलना चाहिए था, जिनका हक था, उनको नहीं मिले तो वो गए कहाँ? तो इसकी जांच होनी चाहिए। झारखंड वाले मामले पे आप इतना सीरियस है, अन्य मामले पे आप इतना सीरियस होते हैं, तो इस मामले पे आप क्यों सीरियस नहीं है? इस मामले पे आप क्यों मौन धारण किए हुए, और इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है? अरे पूर्व सैनिक कह रहे कि उनको पैसा नहीं मिला है, तो वो गया कहाँ? इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों? 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठाने के लिए कहा जा रहा है इतने समय से, आप उनकी ये मांग भी नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके अलावा बात कर ले फार्मर्स की, तो आपने उनको नाराज किया हुआ है। तो मोदी जी के अच्छे काम है, जिसकी वजह से देश की जनता उन्हें सपोर्ट करती है, उन्होंने गरीबों का भला किया, उन्होंने 3 तलाक हटाया, उन्होंने राम मंदिर का काम किया है, और भी अन्य बहुत सारे उन्होंने काम करे अच्छे अच्छे जिसकी वजह से देश की जनता उन्हें सपोर्ट करती है। लेकिन मोदी जी, एक ही हम सबकी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए, जिसपे हम आपकी नजर डालना चाहते हैं, हमारे युवा, हमारे सैनिक आपकी नजर डालना चाहते हैं, जिन मुद्दों से वो परेशान है, इन पे भी थोड़ी ध्यान दीजिए, इन पे भी अपनी थोड़ी दृष्टि डालिए, ताकि इनका भी समाधान निकल सके। क्योंकि आप गलत नहीं है, बस आप कुछ मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो भी देश की जनता का पार्ट है। आप कहते हैं कि मेरी सरकार देश के लिए है, देश की जनता के लिए है, तो देश की जनता में हमारे पूर्व सैनिक, सैनिक, युवा, ये सब भी आते हैं, तो इनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है और इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मामले को और क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।